जूसा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए संपर्क कीजिए। अच्छा लगा, पता चला कि आप उल्लू टीवी देखती हैं। जो मैं हथियार यूज करता हूँ छोड़ दूँ पट्टू भाई, बिना हथियार के कोई युद्ध हुआ है क्या? नहीं, नहीं हुआ। तो मैं बिना हथियार के युद्ध कैसे लड़ूंगा? स्क्रीन पे इस समय है पट्टू सर, जो कि स्पीकिंग कोर्स के लिए आजमगढ़ जिले में जाने जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं राजीव, छोड़ना नहीं है, बट कहाँ हथियार निकालना है ये चेक करना पड़ेगा। एकदम एकदम। क्या लगता है मैं हथियार जहाँ पे यूज़ करता हूँ गलत जगह यूज़ करता हूँ? गलत तो नहीं कह सकते, बस थोड़ा सा तरीका रूड रहता है। आप बताइए। हाँ थोड़ा उसको उसकी डेंसिटी है ना। हो सकता हो आप लोग समझ ना पा रहे हो, लोग समझ ना पा रहे हो। सकता है, बट जो मेजॉरिटी की राय होती है उसको भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। मुझे लगता है भीड़ हमेशा सही नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कभी कभी सही भी होती है। मुझे लगता है भीड़ और भेड़ में कोई अंतर नहीं है। मुझे लगता है कभी भी भीड़ सही नहीं होती है। हो सकता है राजीव, बट एक बार रिवर्स करके भी सोच लेना चाहिए। इतना सोचता तो मैं कर नहीं पाता। हाँ चलिए, उल्लू टीवी जरूर देखिए। और एक लाइन आपकी बड़ी अच्छी लगती है जो मैंने आपसे सीखा था, इज दैट क्लियर? उल्लू टीवी से राजीव, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। एक दिन सबको देखना पड़ेगा उल्लू टीवी, छुटकारा नहीं दूंगा मैं। मिराज ताज कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, एडमिशन्स ओपन।